छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव सीट से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर रमन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान मीडिया के उस सवाल को लेकर आया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या सत्ता में वापसी पर वो फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी में नजर आएंगे। इस सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़े सादे अंदाज में इस बात का जवाब दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे और विधायक बनेंगे, ये पूरी तरह से तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है। उन्होंने कहा कि ना ही पार्टी और ना ही संगठन के बीच में सीएम के नाम को लेकर कोई समस्या है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री भूपेश अब वापसी की तैयारी करें, अभी भूपेश को हटाने का सवाल है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह प्रत्याशी होने के साथ साथ भाजपा के चुनाव प्रचार के कैंपेनर भी हैं। वो अपनी सीट के साथ साथ हर दिन प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। वो भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए मौजूदा राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस की नीतियों पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। आपको बता दें, राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा गया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जीतते हैं या नहीं। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।